मैं हूँ प्रिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं और एक अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो जैसे कि मैं पुणे में रहती हूँ और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है, मैं पुणे में जहाँ भी कहीं जाती हूँ तो आप सबके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, ताकि आप पुणे के बारे में जान सको और उस जगह के बारे में भी जान सको। तो आज हम जा रहे हैं आराध्या होटल में खाना खाने के लिए। तो जैसे कि हम कुछ दिन बाद शिफ्ट करने वाले हैं, तो वही तैयारी हमारी आज चालू थी सारा दिन, और सुबह से रात कैसी हो गई हमें पता ही नहीं चला। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो बाहर से खाना खा के आते हैं, तो हम पहुंच चुके हैं। देख सकते हो यह आराध्या होटल है। यहाँ पर ज़्यादातर फैमिली आती है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं, मैं आज पहली बार आई हूँ यहाँ पर। तो चलो अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हो अंदर से कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर गार्डन भी है पीछे, और ऐसे छोटे छोटे कॉटेज भी बने हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी बैठ सकते हो, पर हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पर बैठेंगे। तो ये यहाँ का मेनू कार्ड है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ का आराध्या स्पेशल मटन थाली बहुत फेमस है। तो हम बस वही डिसाइड कर रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं। तो हमने ऑर्डर दे दिया है, तो जब तक हमारा ऑर्डर आता नहीं तब तक मैं आप सबको होटल दिखाती हूँ कैसा है। तो देख सकते हो ये यहाँ पर कॉटेज बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको ऐसे गांव जैसी फीलिंग आएगी, तो कुछ इस टाइप का है अंदर में। अच्छा बनाया इन लोगों ने, अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो ये कुछ पीछे गार्डन भी है, तो यहाँ पर भी फैमिली के साथ बैठ सकते हो। बहुत अच्छा बनाया है इन लोगों ने, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। तो देख सकते हो पीछे से कुछ ऐसा है, और यहाँ का एरिया मुझे पूरा शांत लग रहा था, कुछ आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा सिटी से मतलब आउटसाइड है ये, तो अच्छा था, अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो देख सकते हो हमने आराध्या स्पेशल मटन थाली ऑर्डर की है, तो कुछ ऐसा आया है, और बहुत ही बड़ी थाली थी, हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी थाली आने वाली है। मुझे नहीं पता था, मेरे हस्बैंड को तो पता था। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आया है। तो सब कुछ है यहाँ पर। तो नॉनवेज खाने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो हमारा खाना वगैरह हो चुका है, तो अभी हम घर जाने वाले हैं। और सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पर आके अच्छा लगा। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा अगर पुणे में रहते हो, यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनों ही खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
तो चलो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी वीडियो में बनाते रहूँगी।